सबसे ज्यादा वक्त दुआओं में लगाएं। जितनी इबादत है सारी इबादतें करें, मगर सबसे ज्यादा और सबसे इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है जिस इबादत की, वो है दुआ। अब मुखल इबादत है, इबादत का मगज है, पावर्स है, तमाम इबादतों के अंदर जान पैदा करने वाली, रूह फूंकने वाली चीज, दुनिया और आखिरत को बदल देने वाली चीज, हसीन बना देने वाली, हर मुश्किल को आसान कर देने वाली, हालात को बदल देने वाली चीज। इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी ताकतवर, इतना पावर, इतना बड़ा हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास रब है, वो हमारा रब है, हमारा रब है, हम उसके हैं। यकीन रखो अपने मौला पर, और मत डरो उस चीज से जो अल्लाह ने तय की है मुकद्दर में, वो होकर रहेगी, उस पर डर कर कुछ नहीं होगा। और मुसीबतें खड़ी होंगी, और परेशानियां बढ़ेंगी, और हर तकलीफ ज्यादा बड़ी महसूस होगी, मुतमईन रहेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, और अल्लाह से राजी रहेंगे और नहीं डरेंगे। क्या होगा, कोई चीज जो मुकद्दर में वो होगा, लेकिन परेशान नहीं करेंगे। जानते हो शयातीन ईमान वालों को परेशान देख के बहुत खुश होते, बहुत खुश होते, उनको मजा आती है, हंसते हैं आपस में, और ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें मजाक बनाते हैं। तो क्यों अल्लाह के दुश्मन को मौका देते हो कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाए? तुम अल्लाह के दोस्त हो, ऐसे बनो कि तुम्हारा रब, तुम्हारा दोस्त फखर करे सारी कायनात पर। इंशाअल्लाह इन बातों को जरूर याद रखें, जहां तक हो सके, जिस कदर, जिस तरह हो सके, जिस तक पहुंचा सके पहुंचाए। बस ये समझिए कि ये हालात हाजिरा के तहत एक पैगाम है, कुरान और हदीस का, जिसे हर बंदे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है, ताकि वो हर मुश्किल का सामना अपने रब के साथ मिलकर कर सके।